मैं उन करोड़ों करोड़ों लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। करोड़ों करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी, आशीर्वाद भेजा। खासकर मैं जानता हूं बहुत सारी महिलाओं ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने इतने भावुक मैसेजेस भेजे। उन सब लोगों के आशीर्वाद का नतीजा है, भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है कि कल एक चमत्कार हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और आज मैं आप लोगों के बीच में चुनाव का प्रचार कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा, आप लोगों को बहुत मिस किया मैंने। मेरी पत्नी मुझसे मिलने आया करती थी, मान साहब मुझसे मिलने आते थे, पंजाब से आते थे मान साहब मुझसे मिलने के लिए। सौरभ भारद्वाज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये मुझसे मिलने आते थे, मुझसे पूछते थे कैसी तबीयत है। मैं उनको यही कहता था, मेरी तबीयत छोड़ो, मेरे दिल्ली वालों की कैसी तबीयत है। दिल्ली वालों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। मैं उनसे पूछता था दिल्ली में सब कुछ सही तो चल रहा है, बिजली आ रही है, लोगों को बिजली मुफ्त में मिल रही है, महिलाओं को बस में सफर मुफ्त मिल रहा है। लोगों से मैं इन सब से दिल्ली के लोगों की बात करता था। इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। मैं मन में यही सोच रहा था मेरा कसूर क्या है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, बहुत छोटा सा आदमी हूं मैं, और एक छोटी सी पार्टी है हमारी, दो राज्यों के अंदर पार्टी है। ये लोग तो बहुत बड़े हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं ये लोग तो। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बना के दिए। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए, दिल्ली वालों का इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे बना दिए। यही कसूर है ना मेरा। आप लोगों के लिए मैंने दिल्ली के अस्पतालों में फ्री इलाज, फ्री दवाइयों का इंतजाम किया। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मेरी दवाई इन लोगों ने 15 दिन के लिए बंद कर दी। मैं शुगर का पेशेंट हूं, रोज 52 यूनिट इंसुलिन लेता था मैं जब बाहर था, वहां पे इन लोगों ने मेरा इंसुलिन भी बंद कर दिया। मेरा कसूर यह है कि जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस टाइम 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। मेरा कसूर यह है कि आज मैंने 24 घंटे बिजली कर दी दिल्ली के अंदर। ये लोग ये सब कुछ बंद करना चाहते हैं, ये सब बंद